I am Dr. Amit Pendharkar. I am currently working as Director Cardiology at Akash Super Speciality Hospital, New Delhi, Dwarka. जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि ठंड के दिनों में हार्ट प्रॉब्लम और स्ट्रोक दोनों बढ़ जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ठंड में हार्ट अटैक्स क्यों होते हैं? उसके कई कारण रहते हैं। एक जो कारण रहता है कि ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली जब सुबह सुबह जल्दी जब टेम्परेचर कम रहता है तब ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। प्लस हमारे हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनके सिकुड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसको हम स्पैज़म बोलते हैं। ये फैक्टर है। प्लस दूसरा रहता है कि ठंड के टाइम पे हमारा खून ज़्यादा, जो एक जनरल टर्म में हम कह सकते हैं कि गाढ़ा हो जाता है, दैट इज़ कुछ एक फैक्टर्स रहते हैं जो कि क्लॉट फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। तो ठंड के टाइम पे ये फैक्टर्स ज़्यादा रहते हैं। जो फैक्टर्स रहते हैं जो कि क्लॉट फॉर्मेशन को रोकते हैं, जैसे खून का थक्का बनने से बचाते हैं, वो कम रहते हैं। सो ओवरऑल बैलेंस हमारा, हम कह सकते हैं कि खून गाढ़ा होता है उसके वजह से। सो वो फैक्टर है। प्लस रहता है कि ठंड के टाइम पे हम बहुत बार होता है कि हमारा खाना चेंज होता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे कि ज़्यादा गरिष्ठ खाना रहता है, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है ठंड में, हमें भूख भी ज़्यादा लगती है, तो डाइटरी हैबिट्स चेंज होती है। प्लस खासकर दिल्ली जैसे सिटी में जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, ठंड के टाइम पे पोल्यूशन बढ़ जाता है और लोग वॉक भी कम कर देते हैं। सो इन सब फैक्टर्स से के कारण, जैसे कि इन टू समराइज, हम जैसे कि खून गाढ़ा होने से, ब्लड प्रेशर बढ़ने से, एक्टिविटी कम होने से और डाइटरी हैबिट्स चेंज होने से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्पेशली जितना सडन चेंजेस होते हैं टेम्परेचर से, उसमें चांसेस और बढ़ जाते हैं कि हार्ट अटैक हो। और सेम कारण से इवन हम देखेंगे कि स्ट्रोक भी ठंड में ज़्यादा होते हैं, और स्पेशली जो टाइम रहता है वो अर्ली मॉर्निंग का रहता है, जब हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों ज़्यादा होते हैं। सो किसी को भी यदि छाती में दर्द, घुटन, सांस फूलना या पसीना आना, खासकर जब इतना ठंड में पसीना आना इज़ ऑड, सो ऐसे केसेस में जब भी ऐसे सिम्टम्स हो तो उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और इमीडिएटली किसी भी पास वाले हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए और ECG करा लेना चाहिए और अ कार्डियोलॉजिस्ट शुड बी कंसल्टेड। थैंक यू।